एक दिन केबीआई नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है तो केबीआई का दौर आएगा। मुश्किल जरूर है पर कभी हारी नहीं है केबीआई, जाके मंजिल से कह दो कभी ठहरी नहीं है केबीआई। डूबेस्ट वर्ग गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केबीआई टीम पर। मैं केबीआई से डायरेक्टर दीपक सर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल केबीआई टीम पर। तो कल हम पढ़ चुके हैं, जो पिछली वीडियो अपलोड की गई है उस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड के अंदर हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या क्या होता है, हम किस तारामंडल में जाते हैं, हमारा तारामंडल कौन सा है, इसके बाद सब कुछ विस्तार में वहाँ पर पढ़ लिया था। और उसी में एक हेडिंग था सौर मंडल, जो कि बोला गया था नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज अष्टम हम कवर करने वाली हैं सौर मंडल को, कि सौर मंडल की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई और सौर मंडल क्या होता है। मेन रूप से बता दें, अगर ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो केवल कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, या तो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, वो एसएससी जीडी देखा जाए या तो किसी भी कमर्शन के एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ यूपीएससी की अगर देखा जाए तो बेसिक में, या तो प्री की बात की जाए या तो मेंस की बात की जाए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बेसिक की बात की जाए तो बेसिक यही से बनती है, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आप बेसिक पढ़ाना बहुत कम चांस होता है। आप बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो सीधा वहां पर एडवांस लेवल मिलता है, अपने सिलेबस से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वहां पर आपको बेसिक क्लियर होता है तो आपको एडवांस लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर यदि आपको 2+2=4 ना पता हो और सीधे आपको कोई गुणा और भाग पढ़ाए तो आप वहां नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर बड़ी संख्याओं का गुणा करेंगे तो नीचे जोड़ना पड़ेगा, अब जोड़ नहीं आता तो आपको गुणा नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर एडवांस आपको नहीं पता और आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर आपको अगर बेसिक नहीं पता और आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर एडवांस क्लास ले रहे हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों के हिसाब से और सभी के हिसाब से एक बेसिक क्लास जरूरी होती है, वन डे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है अगर आपका इससे संबंधित सिलेबस में है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैं पुनः अष्टम से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और आप लोगों के सम्मुख सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पूरा वर्णन करें। वेलकम टू अर्चिता मैम। Created the same things but thought different. Do best work guys. Welcome to online classes of KVI team. देखिए हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ी थी, उससे रिलेशन में क्या पढ़ा था, तारामंडल, नक्षत्र, आकाशगंगा, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल की उत्पत्ति। तो पहले मैं ये सौर मंडल की उत्पत्ति ना बता के आपको बता दूँ कि ये जो मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाती हूँ ये क्या है, जियोग्राफी का पार्ट है। तो स्टार्ट में देखते हैं जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी है ठीक है, इसके पार्ट है ये सब। स्टार्टिंग पहले एस्ट्रोनॉमी है, इसके बाद आता है टोपोग्राफी, फिर आता है जियोलॉजी, जियोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, एंड लास्ट आता है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को अगर हमें पढ़ना होता है सही से तो हम क्या करते हैं, पहले एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे, टोपोग्राफी को पढ़ेंगे, जियोलॉजी को पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी को हमें पढ़ना होता है। तो हम एस्ट्रोनॉमी में आपको लगभग बता दिए हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार, एंडिंग ऑफ स्टार, मतलब जो तारा होता है उसका बॉन्डू, डेथ की पूरी कहानी बता दिए हैं। वो सबसे पहला वीडियो था और वही मस्ट भी था कि हमारा जो भी मतलब होता है कि तारा क्या होता है, ब्रह्मांड जो मतलब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, पहले ये देख लीजिए, ब्रह्मांड का अध्ययन ही कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में अधिकतम मतलब ब्रह्मांड में कहते हैं अधिकतम क्या होते हैं, तारे होते हैं, इसीलिए हम तारों का तारे को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बताया कि जो जियोग्राफी होता है उसके 5 पार्ट को हमें पढ़ना होता है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी, सेकंड टोपोग्राफी, थर्ड जियोलॉजी एंड फोर्थ इंडियन जियोग्राफी और लास्ट में जो आता है वो क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो एस्ट्रोनॉमी ने बताया क्या होता है, अंतरिक्ष का अध्ययन या ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोल विज्ञान कहलाता है। देखिए जो जियो बना है ये क्या है, जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में इतने पार्ट हो गए, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। चलते हैं अपने टॉपिक पर जो हमें पढ़ना है। देखिए हमने आपको जियोग्राफी के बारे में बता दिया, उसके पार्ट को बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ, जियोग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। इसके पार्ट होते हैं 5, हमें तो 5 पार्ट में हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। तो एस्ट्रोनॉमी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार, उसके बाद बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है,
और हमने आज हमें बताना है क्या सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने एस्ट्रोनॉमी बता दिया क्या होता है, अंतरिक्ष का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन ही कहलाता है क्या, एस्ट्रोनॉमी। ये सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हम बता रहे हैं। इसके मतलब संदर्भ में तीन सिद्धांत आए थे, मोनो स्टार थ्योरी आया था, डुअल स्टार थ्योरी आया था और डबल स्टार थ्योरी आया था। तो पहले हम देखेंगे मोनो स्टार थ्योरी क्या होता है। मोनो स्टार थ्योरी, स्टार थ्योरी, देखिए मोनो स्टार थ्योरी का मतलब यही हुआ कि जो सूर्य है वो तो एक तारा है, तो मतलब सूर्य से ही ग्रहों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, मतलब दो पार्ट में पढ़ना है, एक हमें गैसीय सिद्धांत पढ़ना है, दूसरा निहारिका। गैसीय सिद्धांत महोदय कड़ाद ने दिया था और जो निहारिका सिद्धांत है उसे लाप्लास ने दिया था। तो हमें इसमें दो चीज़ पढ़ना है, गैसीय सिद्धांत यहाँ बोलेंगे गैसियस थ्योरी, और हमें सेकंड पढ़ना है इसमें निहारिका सिद्धांत निवला थ्योरी। ठीक है, हमें ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें मोनो, देखिए इसके संदर्भ में तीन सिद्धांत दिए गए थे, मोनो स्टार, डुअल स्टार और डबल स्टार। मोनो स्टार को मतलब मोनो स्टार का जो विश्लेषण किया गया था दो वैज्ञानिक ने किया था, एक महोदय कार्ड ने किया था और दूसरा लाप्लास ने किया था। गैसीय सिद्धांत जो है, मतलब गैसीय थ्योरी जो है, इसे महोदय कड़ाद ने बोला था, महोदय कांट ने बोला था और इसको कौन दिया था, लाप्लास ने दिया था। देखिए गैसीय सिद्धांत जो था वो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने मोनो स्टार थ्योरी का मतलब होता है कि एक ही तारा, ठीक है, एक ही तारा सिद्धांत बोल सकते हैं, मोनो स्टार थ्योरी बोल सकते हैं, लिखेंगे एक तारा सिद्धांत। इसके संदर्भ में दो वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, महोदय कांट ने दिया था कि गैसीय सिद्धांत और लाप्लास ने दिया निहारिका सिद्धांत। तो महोदय कांट ने क्या बोला कि जो सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, फिर से बना दे रही हूँ, ये क्या है, ठीक है, ये सूर्य है, सन है। इन्होंने बोला जो जब सूर्य क्या करता है, घूर्णन करता है, रोटेशन करता है, ठीक है, रोटेशन करता है, मतलब रिवोल्यूशन नहीं करता, रोटेशन करता है, तो उसमें क्या होते हैं, जो इसकी परतें होती हैं, इसका ये बाहरी भाग हुआ। पहले मैं बता दूँ कि जो सन है या सूर्य वो क्या है, एक तारा है। तो मैंने आपको तारे के बारे में बता दिया है, तो आप देख लीजिए पिछले वीडियो में, यहाँ देखिए ये सूर्य क्या तारा है, जब ये घूर्णन करता है मतलब घूमता है, तो इसमें क्या होता है, जो इस अंदर वाला भाग होता है, अंदर बाहर वाला भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ये ठंडा होकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठंडा होकर क्या होता है, अलग हो जाता है, इसी से क्या हो जाते हैं, ग्रह के निर्माण होते हैं। महोदय कार्ट ने बताया था कि सूर्य है, सूर्य जब घूर्णन करता है तो इसके बाहरी भाग क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडा होने के कारण क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं, और इन्हीं से क्या हो गया, ग्रहों का निर्माण हो गया। और देखिए लाप्लास ने क्या बोला था, इन्होंने ये भी बोला कि ये हमारा सन है, सूर्य है, इन्होंने ये बताया कि जब सूर्य घूर्णन करता है, जब क्या करता है, सूर्य घूर्णन करता है, तो इसका जो आंतरिक भाग है वो तो गर्म रहता है, और जो बाहरी वाला भाग है मतलब बाहरी परत है वो क्या हो जाता है, ये परत पूरा अलग हो जाता है, और परत जब अलग होने के बाद क्या होता है, बाद में ग्रहों का निर्माण करता है। मतलब एक ने बताया तो फेल हो गया, दूसरे ने भी वही बता दिया। इन्होंने बताया कि जब वो सूर्य घूर्णन करता है तो उसके जो बाहरी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ग्रहों का निर्माण कर देते हैं। इन्होंने बस थोड़ा सा वो बताया कि क्या मतलब सूर्य घूर्णन करता है तो अंदर वाला भाग गर्म रहता है, वो तो इन्होंने बताया नहीं, तो इनडायरेक्टली इनका कहना ही था वही, ये तो डायरेक्ट बोल दिया कि ये गर्म रहता है और ये ठंडा रहता है, ठंडा होने के कारण ये इसके परत अलग हो जाते हैं और परत अलग होकर ग्रह का निर्माण कर देते हैं। बाद में देखा गया जो ये ग्रह बन रहे थे, इनका जो गुण था, आकार था, गुण था, वो क्या था, सूर्य से बहुत अलग था। जब सूर्य से अलग होगा तो ये इन्होंने बताया कि ये सूर्य का अंश है, तो सूर्य का अंश होने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए कि उसका जो गुण होना चाहिए, उसका प्रकृति होना चाहिए, वो मिलना चाहिए।
लेकिन ग्रह में ऐसा कुछ भी नहीं था। तब इनका और इनका दोनों लोगों का क्या कह दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, मतलब एक ने ये बताया कि ये घूर्णन कर रहा है, ठंडा हो जाता है, पूरा अलग हो जाता है, ग्रह बनता है। तो सिंपली ये भी तो वही था, जो इनका फेल हो गया तो उनका भी फेल हो गया। जो इनमें ग्रह बने थे वो ग्रह की जो प्रकृति थी, आकार था, वो क्या था, सूर्य से नहीं मिल रहा था। जब सूर्य से नहीं मिलेगा तो मतलब अगर कोई भी अपना मतलब किसी भी से देख लीजिए, मानव जीवन में अगर देखा जाए तो कोई भी अगर जैसे लड़का होता है या बच्चा रहता है तो अपने फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऐसे ये भी तो इनके फैमिली का क्या है, सदस्य है, मेंबर है, तो इनमें भी तो इनकी क्वालिटी आकार क्या होना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए। तो बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इसीलिए इन दोनों का जो सिद्धांत दिया गया है वो दोनों क्या कर दिया गया, अमान्य बोला गया, मान्य नहीं किया गया। इसके बाद आता है डुअल स्टार थ्योरी। देखिए हमने मोनो स्टार थ्योरी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे डुअल स्टार थ्योरी, दो तारा सिद्धांत। इसमें बोला गया कि सूर्य के अतिरिक्त एक तारा था, ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त एक तारा और था, और इसे भी दो विद्वानों ने बताया, एक थे चैम्बरलिन और दूसरा था जीन्स। अब जो जीन्स पहनते हैं ना वो यहीं से जीन्स वाले वैज्ञानिक थे, ये लेकर आए थे जीन्स। देखिए पहला देखते हैं, चैम्बरलिन थे और दूसरे हमारे महान विद्वान थे जीन्स। हाँ जो आप लोग पहनते हो जीन्स वही, हाँ वही है ना। अब देखिए इनके और इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, पहले बात सिद्धांत का नाम देख लीजिए, दो तारा सिद्धांत है, सूर्य के अतिरिक्त एक और तारा था। चलिए ये हमारा सन हो गया, उसके अतिरिक्त एक और तारा था। अब इन्होंने देखिए क्या कहा कि ये जो तारा है वो क्या है, इस मतलब बहुत विशाल तारा है, बहुत बड़ा तारा है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से भाग क्या हो गए, अलग हो गए, सूर्य से क्या हो गए, भाग अलग हो गए, और वही क्या बन गए, ग्रह बन गए। देखिए जो मतलब बोला चैम्बरलिन ने बोला था कि सूर्य का एक तारा था, और वो तारा क्या था, बहुत विशाल तारा था, बहुत बड़ा तारा था। अब विशाल और बड़ा होने का मतलब क्या है, घनत्व ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा था, और इसमें इन्होंने क्या, इसने क्या किया कि सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था, तो यहाँ से क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल गए, और उन्हीं टुकड़ों को क्या बोला गया है कि ग्रह हैं। तब लेकिन बाद में पूछा गया कि ये तारा कहाँ गया, इस तारा के बारे में तो बताया नहीं, तारा तो अगर देखा जाए ब्रह्मांड में तो तारा कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये तारा तो था नहीं। अब इनका देख लेते हैं क्या कहना था, इन्होंने भी बोला एक सन था, इसके अलावा एक स्टार था। इन्होंने यही बोला कि इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था, ये विशाल था, तो यहाँ से क्या हो गया, ऐसे ऐसे ग्रह निकलने लगे, और कुछ दिन बाद ये अलग होके ग्रहों का निर्माण कर लिए। इन्होंने अपना मत दिया, इन्होंने भी अपना मत दिया, मतलब दोनों का मत जो था वो सेम था, बस थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने बोला कि पहले खींचा जा गया था, गुरुत्वाकर्षण का क्या किया गया था, खींचा गया था, और ये बाद में अलग हुए, इन्होंने ये बोला, और इन्होंने बोला कि ये गुरुत्वाकर्षण खींच के ही अलग कर दिया था। तो अगर हम देखते हैं ब्रह्मांड में तो सूर्य है, तो सूर्य के पास कोई तारा नहीं है, तो उनका ये दोनों जो सिद्धांत था, तो उन्होंने पूछा ये दोनों तारा कहाँ गए, दोनों तारा कहाँ गए, तो उन्होंने बता नहीं पाया कि तारा कहाँ गए, तो इनका सिद्धांत क्या हो गया, दोनों का फिर से फेल हो गया यहीं पर। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या डबल स्टार थ्योरी, तीसरा में पढ़ना है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। देखिए डबल स्टार थ्योरी क्या है, तीसरा आ गया सिद्धांत डबल स्टार थ्योरी, यही बहुत मान्य हुआ है। देखिए इसमें बताया गया है कि सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, एक सूर्य था ही लेकिन उसके अतिरिक्त भी क्या थे, दो तारे थे, और इसको किसने दिया है, तो लिलिटन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, लिलिटन ने बताया कि सूर्य के अतिरिक्त दो तारे और थे, तो मानते हैं ये सूर्य है, ठीक है सूर्य, और ये दूसरा तारा है, और ये भी एक दूसरा तारा है स्टार। अब बोला गया जब ये तारा में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, जब तारा में विस्फोट हो गया तो इससे क्या बने, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े बने, और क्या बन गया, ये ब्लैक होल भी बन गया, ठीक है। जब छोटे छोटे टुकड़े बने इनको ग्रह बोल दिया, और जो ब्लैक होल बना वो क्या किया, इस तारे को निगल ले गया,
मतलब इसको विलीन कर लिया खुद में। अब विलीन करना ना इसका अस्तित्व रहा ना इसका अस्तित्व रहा। अगर आप मिलाएंगे भी तो इनकी क्वालिटी किससे मिलाएंगे, जब तारा ही नहीं बचा तभी इनका जो मतलब कहा गया है तो जो मान इनका जो थ्योरी है वो मान्य हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया। डबल स्टार थ्योरी लिल्टन ने दिया था, इन्होंने बताया था कि सूर्य के अतिरिक्त दो तारे हैं। सूर्य के अतिरिक्त क्या है, दो तारे हैं। इसने बोला गया कि जो ये तारा था इसमें क्या हुआ, विस्फोट उत्पन्न हुआ। जब विस्फोट होगा तो कई मतलब उसमें बनेंगे छोटे टुकड़े निकलेंगे, तो इन टुकड़ों को बोल दिया गया क्या है, ये ग्रह हैं। ठीक है, इन्हें ग्रह बोला गया। और ये तारा में क्या हो गया, ब्लैक होल बचा। अब ये ब्लैक होल जो है इस तारे को क्या कर लिया, निगल गया, विलीन कर लिया खुद में। अब ना ये तारा बचा ना ये तारा बचा। तो अगर वैज्ञानिक लोग मिलाना भी चाहेंगे कि किससे इसका जो प्रकृति है वो किससे मिला जाए, तो कहाँ मिला पाएंगे। ब्लैक होल तो निकल गया इसको भी, तो हम कह भी नहीं सकते कि इसका आंसर मतलब मिल रहा है क्वालिटी की नहीं मिल रही है। इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया है, मान्यता दी गई है और आज तक भी इसे मान्यता दी जा रही है। मतलब बोल सकते हैं मान्यता प्राप्त थ्योरी है ये। क्या है, मान्यता प्राप्त थ्योरी है। लिल्टन ने दिया था। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सौरमंडल क्या होता है, उसमें क्या प्रमुख होते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं। आप लोग हमेशा सेशन पे देखते रहिएगा और सेशन को शेयर करते रहिए और हर एक क्लास देखिए, इसकी नोट्स बनाइए, क्योंकि जो पढ़ा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा जा रहा है। इतना बेसिक से तो जल्दी कोई नहीं पढ़ाता।